पानीपत के इसराना विधानसभा से इस बार इसराना की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर विश्वास जताया व उन्हें जीत दिलाई, जिसके कारण 5 बार विधायक रहे कृष्ण लाल पवार अब की बार सत्ता से बाहर हो गए। हार के बाद पहली बार वीरवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह बीजेपी के साथ रहेंगे व उनका साथ देंगे। इसराना विधानसभा के चुनाव के बाद एक कार्यकर्ता मीटिंग थी और कार्यकर्ता आज आपके सामने हजारों हजारों संख्या में आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनमें मनोबल कभी डाउन नहीं होता। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हार जीत लगी हुई है, तो प्रजातंत्र ने मत कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में दिया। हमने उसी टाइम उसको इस बात के लिए कहे कि ऐसा भी प्रजातंत्र का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन फील्ड में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम साथी मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी संगठन को उसी प्रकार से मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं बहुत हौसला है और निश्चित तौर पर माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और कार्यकर्ताओं में इस बात से ज़्यादा उत्साहित हैं कि सरकार हमारी है और निश्चित तौर से 5 साल प्रदेश में इस विकास के काम में। सर, कल तक जिस दुष्यंत चौटाला की आलोचना करती थी बीजेपी, आज उसी के साथ बैठ रही है, सीएम उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया उसको, तो क्या उसमें प्रजातंत्र में, और एक ये भी है कि 90 विधानसभा है हमारी, 90 विधानसभा 46 का समर्थन चाहिए, इसलिए हमारी 40 सीट आई है, आखिर में समर्थन तो लेना ही था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे बैठकर नेताओं ने बात की, संगठन ने बात की, वो तो बात पर खड़े उतरे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन को स्वीकार करके सरकार बनाई है और आगे 5 साल पूरा काम करेगी। क्या बीजेपी जेजेपी के मैनिफेस्टो के आधार पर काम करेगी, वो दावा करते हैं? इसके लिए पार्टी के बीजेपी के अलग मैनिफेस्टो हैं, जेजेपी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, तो सही बात को, एक अलायंस है, सही बात को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में माने मुख्यमंत्री हैं, तो सही बात होगी तो उसको मानने में कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो संभव नहीं हो पाती, तो वो संगठन और मुख्यमंत्री देखें। ठीक है, आज कांग्रेस नेताओं ने जो है इंदिरा गांधी बलिदान दिवस मनाया, उसमें नेहरू का ये भी कहना था कि सरकार चलने नहीं देंगे, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि वो लोग परिवार तक सीमित है। उन्होंने जो देश के लिए वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी और पूरा देश का हर नागरिक और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं और हमने भी चर्चा की है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है उन कभी चर्चा नहीं करती कि इंदिरा गांधी तक इसी में। ठीक है, अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।